नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभी ऋषिकेश में। ऋषिकेश जाना जाता है योगा के लिए, बहुत सारे मंदिरों के लिए, मेडिटेशन के लिए, गंगा घाट के लिए, गंगा आरती के लिए, बहुत सारे ट्रेंडी कैफेज, स्पोर्ट्स जैसे बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, एडवेंचर एक्टिविटीज़। तो अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो कहाँ रहना ठीक होगा? तो जोस्टल में मैं रुका हूँ, पहले भी जोस्टल में रुक चुका हूँ, जिसके रिव्यूज़ भी मैंने डाले हैं। ये प्रॉपर्टी लक्ष्मण झूला के पास है, लक्ष्मण झूला यहाँ से करीब शायद 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा। नॉर्मली मैं अपने वीडियो टूर किसी भी प्रॉपर्टी का गेट से शुरू करता हूँ, लेकिन आज चलो रूफटॉप कैफेटेरिया से शुरू करते हैं। तो ये है कैफेटेरिया, बेड पड़े हुए हैं, कुछ कुछ पेंटिंग्स हैं अच्छी। ये दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसा ही एक सेगमेंट है। दीवारों पे कुछ कुछ ड्राइंग्स कर रखी हैं, सारी दीवारों पे। इधर किचन है, ये इधर इंडोर सिटिंग है अगर आप अंदर बैठना चाहते हैं। इधर से नीचे जाएंगे, ये स्टेयर्स के साइड में भी हर जगह कुछ कुछ पेंटिंग्स कर रखी हैं। ये है ग्राउंड फ्लोर, ये एक सिटिंग एरिया है, कॉमन एरिया, और ये इस तरफ हैं डॉर्मेट्रीज और प्राइवेट रूम्स। ये छोटा सा ओपन एरिया, ये बेसमेंट की तरफ जाते हैं तो बेसमेंट में भी रूम्स बने हुए हैं। काफी सारे रूम्स हैं। और काफी अच्छे से बना हुआ है। यह है एक 4 बेड वाली डॉर्मेट्री, तो इसमें एसी लगा हुआ है, इंडिविजुअल कबर्ड्स हैं, आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा हर बेड के साथ में, एक रीडिंग लाइट है। यह है वॉशरूम, वॉशरूम भी ठीक ठाक साफ है, गीजर है, ग्राउंड फ्लोर से अब ये मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। ये बुक शेल्फ है यहाँ पे, अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो बुक पढ़ सकते हैं। ये सामने की तरफ मेन एंट्री है, आपका रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे भी सिटिंग एरिया है, और ये घुसते ही आपके
राइट हैंड साइड पे कॉमन एरिया है, तो अगर आपका चेक इन में टाइम है, अगर नॉर्मली जैसे 10-11 बजे चेक इन होता है, तो अगर आप सुबह पहुंच जाते हैं 7-8 बजे, तो आप कॉमन एरिया में वेट कर सकते हैं जब तक आपका आपका रूम अलॉट हो, उससे पहले आप कॉमन एरिया में आराम से बैठ सकते हैं। तो दोस्तों ये है ज़ोस्टल ऋषिकेश। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।